अमित शाह बीजेपी के सबसे सफल अध्यक्ष यूं ही नहीं हैं, एक बार उन्होंने फिर साबित कर दिखाया है। मार्च 2017 तक यात्राओं का हिसाब उनके वेबसाइट पर है, जिसके मुताबिक शाह ने 32 माह में 5,07,000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्राएं की, यानी हर रोज औसतन 524 किलोमीटर। संगठन के लिए इतनी यात्राएं शायद ही किसी और पार्टी का अध्यक्ष करता हो। बात गुजरात विधानसभा की करें तो कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 30 जबकि बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने 31 रैलियां की। इस वक्त देश की कुल आबादी के करीब 67% हिस्से पर बीजेपी और उसके सहयोगियों का राज है। तमाम राज्यों में बीजेपी के धमाकेदार जीत और सहयोगियों के साथ सरकार बनाने का असली सेहरा अगर किसी के सिर बनता है तो वो है अमित शाह। पूरे देश में राज करने के अभियान की सफलता के पीछे साल 2006 में अमित शाह गुजरात स्टेट चेस एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। वो खुद भी शतरंज के माहिर खिलाड़ी रहे हैं। बीजेपी गुजरात में मार्च 1998 से लगातार सत्ता में है। यह गढ़ आगे भी बचाए रखने की चुनौती राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के सर पर है। शतरंज के खिलाड़ी अमित शाह की सियासी जादूगरी की सबसे बड़ी परीक्षा गुजरात में मानी जा रही थी। अमित शाह अगस्त 2014 से बीजेपी के अध्यक्ष हैं। देश के 18 राज्यों में बीजेपी और सहयोगियों की सरकार बनवाने के साथ साथ उन्होंने भाजपा को 10 करोड़ सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाने में भी कामयाबी दिलाई। इसके पीछे उनकी रणनीति और मेहनत काम करती है। शाह अपने ज्यादातर दौरों में पार्टी का जमीनी ढांचा मजबूत करते रहे थे या उसे यूपी जैसे राज्य में पूरी तरह जमीन से ही खड़ा कर रहे थे। आंध्र प्रदेश, असम, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल जैसे पारंपरिक रूप से कमजोर राज्यों पर उन्होंने फोकस करना शुरू किया। नतीजा ये हुआ कि 2016 के विधानसभा चुनाव में असम में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। यही नहीं, केरल, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में भी भाजपा मजबूती से सामने आई। 2014 में ही बेहद अहम लोकसभा चुनाव हुए थे, तभी से उनका उत्तर प्रदेश से रिश्ता शुरू हुआ। बीजेपी ने उन्हें उत्तर प्रदेश जैसे सियासी तौर पर बेहद जटिल माने जाने वाले राज्य का जिम्मा सौंपा और 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 403 में से रिकॉर्ड 324 सीटें हासिल कर ली। हालांकि दिल्ली और बिहार में हार के बाद बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने अमित शाह की लीडरशिप पर सवाल खड़े किए थे, पर असम की जीत के बाद अमित शाह की तारीफ करने में तनिक भी देर नहीं की। जाहिर है कि ये तारीफ बेकार नहीं गई। जुलाई 2017 में उन्होंने बिहार में भी नीतीश कुमार के साथ बीजेपी की सरकार बनवा ली है। दो साल पहले तक वास्तविकता ये थी कि देश के 80% जिलों में पार्टी का अपना कोई स्वामित्व वाला कार्यालय नहीं था। अमित शाह ने हर जिले में अपना कार्यालय बनाने का लक्ष्य रखा। 287 जिलों में इसके लिए पार्टी ने जमीनें ले ली हैं। पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आम लोगों के साथ सीधा संपर्क कायम करने के लिए अमित शाह महीने के पहले और तीसरे सोमवार को जनसंवाद कर रहे हैं। अब तक 23 जनसंवाद में उन्होंने 10,000 लोगों से मुलाकात की है। उनकी यह कोशिश भी बीजेपी और उसके विस्तार में मदद कर रही है।